शादी के मैनेजमेंट अपने जिम्मे ले के ना हम फंस गए हैं। अब ये हिसाब हो गया कि शादी की उस वक्त हमने मैनेजमेंट अपने जिम्मे लेके, यार हम जिम्मेदारी उठाते हैं, शादी करवाएंगे, लेकिन शादी का ऐसे बोल के अब फंस सबके लिए मुझे परेशानी इस चीज की है कि मेरे ऊपर जब दिन कम होंगे मेरे ऊपर बोझ डाल देंगे कपड़े सिलाई करने का, फिर मैं कैसे करूंगी। दुनिया दे कम चूल्हे बिच पैन दे आका दिया नाता नू पाड़े नैन दे वंडा माशाल्लाह। अमीना अमीना आपका सूट एक तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, बाकी बातें बाद में। अभी जो है ना आपको माहौल दिखाते हैं। आगे का माहौल जो ना जबरदस्त होने वाला है, आपने साथ रहना है। ये रोल किया था सरदार।
करना है, घसी भी दियो जितना आया।
माशाल्लाह जी सुबह हो चुकी है और जो है ना अभी नाश्ते वास्ते का काम जो है ना जारी है। ये देखें माशाल्लाह से चाय बना ली है और बच्चे खा रहे हैं, रेडी भी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। कल तो छुट्टी थी, आज इनका स्कूल है तो कल फिर छुट्टी होगी संडे की। ऐसे हाँ बिल्कुल रेडी हो। अच्छा फरहान भी आ गया है माशाल्लाह से तैयारी वगैरह करके और अभी ये कर रहे हैं नाश्ता। और उधर जो है ना अबू जान को भी मिल गया और बाकी जो है ना और जो है ना क्या कहते हैं हाँ गंदम डालना भूल गए और हमारा आटा बिल्कुल भी नहीं है। रात बच्चा था थोड़ा सा, ये देखें ये भी बच्चों के लिए तो बना लेती हूँ, बच्चे तो खा ले साथ जो लेके जाते हैं उनके लिए दो तीन रोटियाँ हो जाएंगी, बच्चों को बना देती हूँ और बाकी जो है ना वो कोई सोचती हूँ कि क्या करना है। तो चलें जी बस ये बच्चों के लिए बना दूँ खाना, रोटी फिर मिलेंगे क्योंकि उनको हो रही है लेट, तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं रोटी। भी बच्चे जो है ना रवाना हो गए हैं स्कूल के लिए और सुन रहे हैं कि आज भी छुट्टी है तो जो है ना वो गए हैं पता करने कि आज छुट्टी है तो फिर वापस आ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर पढ़ेंगे। सुन तो ऐसे रहे हैं, कल जैसे छुट्टी थी आज भी छुट्टी है और कल वैसे भी, मतलब तीन छुट्टियाँ थी। तो बच्चे चले गए हैं और इधर देखें वो जो थोड़ा सा आटा पड़ा था वो मैंने जो है ना बच्चों के लिए दो तीन रोटियां बनाई और थोड़ी सी पड़ी थी सिवैयाँ, तो अभी जो है ना ये नाश्ते के लिए मैं ये बना रही हूँ, नाश्ते के लिए ये सिवैयाँ बना रही हूँ। दिन की भुनाई भी हो चुकी है, पानी भी डाल दिया है और जो है ना देखेंगे दोपहर को, फिर रात वाला सालन भी रखा है और गंदम वगैरह डाल के आएंगे, आटा वगैरह ले आएंगे तो फिर दोपहर को जो है ना, वैसे जो है ना सुबह सुबह रोटी बना लेती थी और दोपहर को खाते थे, मैं जो है ना कपड़े वगैरह से निकाल लेती थी जैसे कि कल कुछ सेट करने वाले थे, बनाने वाले थे जैसे कि जवेरिया के बनाए मैंने, और आज जो है ना आज अमीना के सिलाई करूँगी तो इसी हिसाब से जो है ना फिर मैं रोटी बना के रख देती थी ताकि मैं अगर दोपहर को फिर बनाऊं तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरे काम करने का। तो इसलिए जो है ना आज आटे की वजह से नहीं बनाई, आज दोपहर को बनानी पड़ेगी, सालन रखा है, चलो रोटी बना लूँगी दोपहर को। तो बाकी जो है ना अल्लाह पाक खैर करे आगे, तो बस ये सिवैयाँ मेरी तैयार हो जाए उसके बाद फिर जो है ना करेंगे ना। चला जी हमारी जो है ना नाश्ता हो गया है तैयार, तो अभी जो है ना प्लेटों में डालते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि जैसे कि मैंने बताया मजबूरी थी, आटा नहीं था इसलिए बनाई है थोड़ी सी सेवियाँ। तो ये देखें जी हमारी सेवियों का कलर चेक करें, डालते हैं इसमें लाल रंग माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अबू जान को सिवैयाँ मिल गई, अबू जान चेक कर ली हैं? कर रहा हूँ। खा के बताएं कैसी बनी है, गरम भी थी अभी अभी डाली है, गरम भी है, देखना कहीं मुंह ना जल जाए। आटा नहीं था ना इसलिए बस थोड़ी सी बनाई है नाश्ते के लिए के फिर जो है ना दोपहर को रोटी बनाएंगे। और इधर अम्मी जान भी खा रही है, ये देखें अम्मी जान आप बताएं कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी जी। सही सही। और शहजादी आपने खानी है? हाँ। क्या खाना है? शेवा। शेवा कहीं को ना देवा। चलो आ जाओ आ जाओ। इधर अमीना भी खा रही है ये देखें। हाँ नहीं रोटी नहीं थी, आटा नहीं था इसलिए रोटी नहीं बनाई। सुबह आज किधर चले गए तो वहाँ आज
आज जाम वाला के पास ना आज उपलब्ध लेके दूध एक मिनट चूल्हा बंद कर लो। दूध जो है ना वो हो रहा है, चूल्हा बंद कर लो। अमीना आप बताओ कैसी बनी है सेवा? बहुत अच्छी। अभी ये थोड़ा सा नाश्ता कर लो, फिर 12 बजे रोटी बनाएंगे, ठीक है? सब्जी वाला आ जाते ना, किलो आलू पालक के मंगाया। नहीं सब्जी वाला नहीं आता, पता नहीं उसको क्या हो गया, नहीं आता वो। कबाब नहीं आता, कबाब रात हम फंक्शन पे गए थे, लंबरदार का फंक्शन था। आज माना आज इतना बजे कबाब नहीं आते, छुट्टी कर गए ना, और मोटरसाइकिल बेटी की होगी ना। हाँ चलो अलिशबा बैठो, आपको मैं दूँ सेवैया। परी नहीं उठी अभी? नहीं। आप रात कहाँ गई थी? रात? हाँ कल रात को कहाँ गए थे? भैया बोलो, भैया भैया की शादी पे। भैया की शादी पे? हाँ। शादी को देर है उसके फंक्शन पे, तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा। कैसे? सब नाता पढ़ रहे थे। नाता नहीं पढ़ रहे थे, गाने गा रहे थे। गाने गा रहे थे और झूमर लगा रहे थे। आपने झूमर के लगाई थी? हाँ। कैसे झूमर लगाई थी? ऐसे झूमर लगाते हैं। आपको झूमर लगाने का बहुत शौक है? हाँ मुझे नात पढ़ा करो। मुझे झूमर लगाते वो डांस नहीं आता। झूमर लगाने वाला डांस नहीं आता? हाँ। अच्छा चलो छोड़ो, परे ना आए, हमने कौन सी डांस करनी है, ठीक है? हाँ चलो बैठो। चलो जी, जिसने खाना हो वो आ सकता है और जो है ना हमारे साथ नाश्ता कर सकता है। माशाल्लाह जी, बर्तन वगैरह इधर इकट्ठे करके रख दिए हैं, अभी धुलाई करने और झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है। ये देखें घर की टोटल सफाई हो चुकी है, तो बस बर्तन ही थोड़े से धुलाई करने हैं। और उसके बाद जी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, मेरी चुन्नी मुन्नी उठी हुई थी, कहाँ चली गई? लो जी इधर बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो अभी जो है ना मैं उठाती हूँ मशीन और करती हूँ कपड़े सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकिड़ा यार दा चानन करदा ते पांदी जुल्फ हनेरे, दिल नहीं काबू रखे मैनू पाड़े लैन दे दुनिया।
नू पड़े लैण दे सखिया नू चावा नाले आज मैं बुलाया है घर विच आका दा मेलाद मैं रखाया है सखिया नू चावा नाले आज मैं बुलाया है घर विच आका दा मेलाद मैं रखाया है दिल दिया आया जे मैनू कहण दे आका दिया नाता मैनू पढ़ लैण दे दुनिया दे काम चुल्ले विच पैण दे आका दिया नाता आज मैनू पढ़ लैण दे रख दाए माना का अपने बेगाने ना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह रख दाए माना का अपने बेगाने दा वान विंगा हो दानी जे आका दे दीवाने दा वान विंगा हो दा जे आका दे दीवाने दा सच्चियां ये गल्लां आज मैनू कहण दे आका दिया नाता मैनू पढ़ लैण दे दुनिया दे कम चुल्ले विच पैण दे आका दिया नाता नू पढ़ लैण दे आका मैनू मिल गया नूर उने का दिए सादिक मैनू जन्नता दी नूर उने का दिए आका मैनू मिल गया तूर उने का दिए सादिक मैनू जन्नता दी नूर उने का दिए आका दे आवेड़े आज मैनू रहण दे आका दिया नाता नू पढ़ लैण दे दुनिया दे काम चुल्ले विच पैण दे आका दिया नाता मैनू पढ़ लैण दे। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह ये नात आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना है। यह जी शहजादी और शहजादी ने बोला मैंने सुनानी है नात ऐसे हाँ। चलो सुनाओ हसरी रबी यल्लल्ला माफी कलबी खैरुल्ला नूरे मुहम्मद सल्लल्ला बेबी नोने कलमा पढ़ाला अब आ गई है परी। परी कैसी हो? ठीक। तबीयत सेहत ठीक है? हाँ। क्या कर रही हो? खेल रही हो। आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं। अच्छा ये बताओ कल रात को हम कहाँ गए थे? हम गए थे नहीं सेवा दी है मैंने सेवा दी मुझे चाय पापा दो। चाय पापा दो। अच्छा चाय पापा देती हूँ। पहले अब ये बताओ कल रात हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताओ। शहजादी इधर आ जाओ इधर सामने बात करने दो उसको। इसको बंद करो बंद करो बंद करो रख दो। शाबाश रख दो। ये क्या खोला हुआ है आपने? ये देखो व्हाट्सएप खोल दिया। चलो आ जाओ इधर इधर आ जाओ सामने। ये बताओ आप दोनों कल रात को कहाँ गए थे हमारे साथ? शादी पे। किसकी शादी पे? लड़ रही है आज परी को क्या हुआ है? परी क्यों लड़ रही हो? अरे ऐसे क्यों करती हो उसको? शहजादी इधर आओ मेरी बात सुनो। किया है? अच्छा नहीं नहीं रो नहीं मैं इसको मारूंगी रो नहीं। हाँ कहाँ गए थे? फिर मुझे चाहिए पापा दो। चलें
जी ये बात नहीं कर रही, रो रही है, ये कहती है मुझे चाय पापा दो। तो जी प्यारे बहन भैया, काम वाम सब हो गए, बर्तन पड़े थे वो जो है ना अमीना धुलाई कर रही है, और मैं जो है ना माशाल्लाह से बैठ गई हूँ मशीन के पास और कर रहे हैं कपड़े सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मदद करी आज अमीना के सारे कपड़े सिलाई हो जाए, ऐसे मैं हाथ लगाऊं तो कपड़े सिलाई हो जाए। कपड़ों का लगने वाला है जी रश, और मेरे लिए मुझे ना आगे बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा, दिन को भी और रात को भी। कपड़े और भी आने वाले हैं सिलाई वाले, सब सिलाई होंगे तो फिर जो है ना रात दिन ही सिलाई करने पड़ेंगे, इसलिए कल बता रही थी कि जो है ना जो कपड़े सिलाई वाले हैं वो टाइम से खरीद लें और सिलाई करवा लें। जो है ना पहले पहले शलवार सिलाई कर रही हूँ ब्लैक सूट की, हाँ, तो ये जो है ना नीचे लगानी है ये डिजाइन वाली पट्टी, इधर ऐसे ऐसे लगानी है पट्टी। चलें जी अभी जो है ना ये करते हैं सिलाई, और जो भी सिलाई करूंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, सुबह बखैर। तो ये दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो गया है, और पहले से ही स्टार्ट है। कुछ क्लिप रात के थे और कुछ जो है ना अभी सुबह के हैं। तो इधर जो है ना सलमान खान हमारा सुबह सुबह अपने काम में गया है, लग सुबह सुबह तो नहीं कोई टाइम गुजर चुका है, ये अपने कपड़े सिलाई में लग गई है। ये किसके कपड़े सिलाई हो रहे हैं? मेरे ख्याल अमीना के हैं, कल तो दूसरे सिलाई किए थे ना। हाँ कल भी कपड़े जो है ना कल जवेरिया के बनाए थे, अपने कपड़े छोटे करके जवेरिया के बनाए थे, जैसा कि आप सबको दिखाया था। तो आज जो है ना अमीना सरदार के कपड़े सिलाई हो रहे हैं। अमीना सरदार इधर बैठी है। अमीना सरदार क्या हाल है, आप सुनाओ क्या हाल है? ठीक है, खुश हो? देख रहा जी प्याले से चार, अच्छा रंगदार, अच्छा प्याले लिए हैं मेहमान आ जाते हैं, बोतल पिलाते हैं प्याले के अंदर। अच्छा अच्छा आज कपड़े सिलाई करवा रही हो? हाँ। वाह सरदार वाह, सोने सोने कपड़े। सवेरा मियां के लिए पूछा कर रही थी मुझे कपड़ों को लैस भी लगा के दो, फिर उस दिन भूल गई थी। अच्छा फिर घर पे पड़ी थी तो इस सूट के साथ तो मैच हो गई है, मैंने लगा दी है। इसको ब्लैक थी तो इस सूट को लगा दिया है। एक सूट कंप्लीट हो गया। एक मिनट दिखाने दो। ये देखें जी माशाल्लाह जबरदस्त, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, एक है ना फिटेड, ये है जी, ये लैस लगी हुई है ना, ये ब्लैक वाली, ये लैस लगी। एक सूट इसका हो गया मुकम्मल, ये देखे, वेरी गुड माशाल्लाह। अमीना आपका सूट एक तैयार हो गया? हाँ, शादी के लिए दुपट्टा इसके साथ था, मैंने इसके साथ दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी है ना माशाल्लाह जी। एक सूट जो है ना सूट हो गया, इंशाल्लाह आज इसके अमीना के कंप्लीट हो जाएंगे। अभी दूसरा शुरू कर रही हूँ तो जो है ना वो एक जो है ना ये वाला इसको बस सेट ही करना है। सही सही, बाकी जो है ना वो क्या कहते हैं, हाँ ये देखेंगे, ये इसको नहीं लगेगी, ये इसका कलर हो रहा है, ये देखो इसमें तो ऐसा कोई कलर ही नहीं है। ये किसके हैं? ये भी अमीना का, अमीना का है। वही दोस्तों उस वक्त चुप हो गया था, अमीना कर रही थी ऐसे तंग, तो उसको भेजा है मैंने, कहा आप जो है ना इधर से और सेटिंग दिखाते हैं, टाइम भी है जितना, वीडियो भी बनानी पूरी, वीडियो चेक की है, वीडियो भी थोड़ी कम रहती है अब थोड़ी सी। अच्छा। हाँ मतलब रात वाली वीडियो डाल के आज आपने जो बनाई नात पड़ी वो भी, तो ये बनी है बस चार पाँच मिनट पे है, मतलब रहती है चार मिनट पाँच मिनट तक एंड करना पड़ेगा। अच्छा। ये भी अभी अमीना का दूसरा सूट सिलाई हो रहा है, पहला सूट उसका तैयार हो चुका है, वो देखें।
एक तैयार हो चुका है। हाँ, एक तो फाइनल हो गया, अब ये दूसरा हो गया। दूसरा कर रही हूँ और जो है ना, और आपने क्या सोचा है? किस चीज का? बाकी घर वालों की शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी। नहीं करनी? हाँ। मतलब जो पढ़े हैं गुजारा कर लो ना अभी। वो भी आप ही रात जैसे मुकलत भाई कह रहा था, अभी वही बात कह रहे हैं। हाँ, एक दिन की शादी है, शॉपिंग करके क्या करेंगे? हाँ, शॉपिंग करके क्या करेंगे? एक एक सूट जो जिनके पास सबके पास होंगे, मतलब बच्चों के नहीं है, बाकी अम्मी का भी एक सूट पड़ा है, अमीना के तो माशाल्लाह 3 सूट हो गए हैं, आपके हैं? वैसे तो मेरे भी पड़े हैं 2-3 सूट जो मैंने अपने भांजों की शादी पे लिए थे, जो बड़े बड़े घुघरे थे, मैक्सियाँ थे, फिराक थे, वो वाले पड़े हैं। अच्छा, हाँ, देखेंगे कोई होगा तो फिर इंशाल्लाह। हाँ, मैं इसलिए कह रही थी कि अगर है शॉपिंग करने का इरादा है तो फिर टाइम से कर लेना, ले आए कि सिलाई फिर नहीं होंगे। अगर हम दूसरे काम पे शुरू हो गए तो फिर ये सिलाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। देखते हैं। एक तो वो भाई वाले भी चुप करके बैठे हैं, ऊपर से कहती है भाभी के कपड़े आपने हमारे सारे सिलाई करने हैं और लेने जाते नहीं वो। उनकी पहली शादी उनको पता भी नहीं है, दूसरों की शादी पे तो खुद वो होते हैं, बड़े होते हैं, मेजर होते हैं। हाँ, अपनी शादी पे वो चुप करके बैठे हैं, कुछ लेने का नाम ही नहीं ले रहे। मेहंदी का सामान अलग होता है, शादी का अलग होता है, मेहंदी का सामान भी बनाना शुरू कर दें वो, फिर जब इनके मेहमान आ जाएंगे फिर तो ये खाने पीने से भी फ्री नहीं होंगे। ये तो है। फिर सारा दिन मेहमानों को संभालते रहेंगे और दूसरे काम जो होंगे बहर के लेने देने वाले वो तो इनसे होंगे नहीं, बोलेंगे हम तो फ्री नहीं है, फिर मसला होगा उनके लिए भी, मसला होगा हमारे लिए भी। इसलिए मैं बार बार रोज डेली वीडियो में यही जिक्र करती हूँ कि देखें, अब शादी के दिन भी फाइनल हो चुके हैं, शादी के दिन एक ऐसे गुजर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, एक दिन जो है ना कैसे जल्दी से जा रहा है। तो ये जो है ना कोई चीज लेने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर परेशानी होगी ना सबके लिए। मुझे परेशानी इस चीज़ की है कि मेरे ऊपर जब दिन कम होंगे, मेरे ऊपर बोझ डाल देंगे कपड़े सिलाई करने का, फिर मैं कैसे करूँगी? अपने घर के काम भी करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, सब बच्चों को देखना होता है, सब कुछ करना होता है। ये तो अब उन्हीं के ऊपर है ना, इसमें हमारा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है? आपका ये है, आप भी चुप करके बैठे हो। एक तो वो दुल्हन का जहेज नहीं, उसका नहीं कर रहे, उसका कब लेना है जहेज? वो भी सिस्टर अभी उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे सिस्टर से रब्ता होगा तो फिर वो भी अभी उनसे, और कोई ऐसा अभी तक कोई आया भी नहीं। और जब मैंने वीडियो लगाई थी, मैंने बोला था कि कोई आ जाएगा हेल्प के लिए, तो लेकिन वहाँ से अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई भी ना आए तो फिर अल्लाह मालिक है, शादी कैसे होगी? अल्लाह मालिक है, बड़े बन के फिर रहे हैं ना, फिर हमें झूठे पड़ेंगे। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पे यकीन हो ना, सब कुछ हो जाता है। अल्लाह पे यकीन है। अब देखिए ना, मेरी असल बात ये है, बहन भाई देखने वाले भी मतलब के यही बोलेंगे कि हाँ सलमा सही कह रही है। तो माँ जो होती है ना, वो अगर फुर्सत हो उसके पास तो अपनी बेटी, जैसे भी उसकी बेटी पैदा होती है तो उसके लिए चीजें बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास होती है फुर्सत थोड़ी थोड़ी सी लेके, जो बनाने वाली चीजें होती है वो बनवाती रहती है। और जब शादी का टाइम आता है तो जो बस बनी बनाई चीजें लेनी होती है वो लेके बस शादी कर देते हैं। और मेरी सिस्टर ने तो अब उनके पास ना ही फुर्सत थी, ना ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ बनाया। अब देखें, ये तो हम बनी बनाई चीजें तो हम इस शादी वाले दिन भी ले सकते हैं, एक दिन पहले भी ले सकते हैं, जाके बनी बनाई चीजें ले आएंगे, आके रख देंगे। लेकिन जो चीजें बनाने वाली होती है, जो खुद हम ले आएंगे और खुद हम बनाएंगे, जैसे कि उसके बिस्तर सिलाई करने पड़ेंगे हमें, उसके लिए तकिया बनाने पड़ेंगे, उसके लिए और भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे वो सब ले आएंगे, फिर हम खुद वो उनको तैयार करेंगे बनाएंगे, उसमें तो टाइम लगेगा ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो है ना, सब काम एक साथ आ जाएंगे, इधर से बोलेंगे हाँ जल्दी से कपड़े सिलाई करके दो, उधर से बोलेंगे चलो दुल्हन का सामान लेना है बनाना है, और इधर भाई वाले बोलेंगे कि हाँ हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, इस तरह फिर परेशानी बन जाएगी, फिर कहाँ कहाँ भागेंगे। इसलिए जो काम पहले हमारा पहले हम करते जाएंगे वो एंड में हमारे लिए। वही तो कह रहा हूँ कि मैं, मेरी बात भी सुनो ना, मैंने बोला है, मैंने कहा वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, नंबर भी दिया था, वीडियो में बोला भी था,
अभी तक कोई भी नहीं बंदा आया, कोई भी बहन, कोई भाई, कोई भी मतलब किसी ने भी रब्ता नहीं किया। सिर्फ एक सिस्टर ने रब्ता किया था, वो भी अभी तक फिर वो चुप हो गई, और बाकी अब समझे कि कोई भी नहीं अभी तक। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, वो आएंगे तो सिस्टम बनाता जाऊँगा। मैंने तो यही बोला था, मैंने कहा अभी होता जाएगा साथ साथ तो करता जाऊँगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया बंदा, फिर मैं क्या करूँ। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं अपनी जगह, मेरे खुद के पास इतनी फुर्सत होती तो मैं क्या वीडियो में जिक्र करता, लोगों से मांगता, मैं खुद ही ना बोल देता। तो बात है, लेकिन मैं वो आप कुछ बता नहीं रहे थे ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आपने क्या सोचा है, क्या करना है, मुझे क्या पता। जो होगा मंजूर, जो मंजूर है खुदा होगा वही होगा, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बस यही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे बैठे हैं, देखेंगे जो होगा। नहीं तो फिर ऐसे होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, अगर कोई बहन भाई कर भी देता है हेल्प, तो जो लास्ट में ऐसे होगा कि हर चीज़ बनी बनाई लेंगे, फिर खुद नहीं बनाएंगे, बनी बनाई लेंगे, फिर बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती है। फौरी तौर शादी तो करनी है ना, रुख्सती तो करनी है, वो फिर उसी हिसाब से ले लेंगे भी, बनी बनाई जो भी चीज़ मिलेगी, जैसे रजाइयाँ भी बनी बनाई मिल जाती हैं। वही कह रही हूँ, रजाइयाँ जो बनी बनाई मिलती हैं वो कोई काम की, वो देने का फ़ायदा भी नहीं है, मतलब कि खुद चीज़ें देख के लेनी होती है, फिर खुद बनाना होता है, वो सही होता है। अगर हमने खुद ली थी बनी बनाई, वो पड़ी है, हम इस्तेमाल हमने भी नहीं की, कोई मतलब वो बिल्कुल ख़राब होती है, दो नंबर चीज़ें रखती हैं। छोड़ो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तुम अपना ये जो है ना कपड़े, ये तो सिलाई करो, अमीना के कपड़े सिलाई करके फ्री हो जाऊं, ये तो सिलाई करो, उसके बाद अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो हम हमारा चलो जैसे कैसे गुजारा हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो लेने पड़ेंगे ना। वो लेंगे इंशाल्लाह, वो भी लेंगे, नो टेंशन, सब्र का फल मीठा होता है। और बाकी हाँ, वीडियो लंबी हो चुकी है, इसकी बातों से देख लें भाई, यही बात हो गई कि शादी के मैनेजमेंट अपने जिम्मे ले के ना हम फंस गए हैं। अब ये हिसाब हो गया कि शादी की उस वक्त हमने मैनेजमेंट अपने जिम्मे ले के, यार हम जिम्मेदारी उठाते हैं, शादी करवाएंगे, लेकिन शादी का ऐसे बोल के अब फंस चुके हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे, आसानियां अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा करे, और जो भी मुश्किलात हैं दूर हो जाएँ। आप सब ने भी ज़रूर दुआ करनी है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।